राजधानी दिल्ली में हुए श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के बाद अब निक्की यादव हत्याकांड के चलते एक बार फिर लीव इन रिलेशनशिप चर्चा में आ गया है और इस पर बड़ी बहस छिड़ गई है। कोई इसे अनैतिक बता रहा है तो कोई इसे गैर कानूनी। तो आइए जानते हैं कि क्या है लीव इन रिलेशनशिप और भारत में इसे लेकर क्या कानून है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरमे टाइम्स का विशेष, मैं हूं अंकुश शुक्ल। तो अगर सरल भाषा में कहें तो प्रेमी जोड़े का शादी किए बिना लंबे समय तक एक घर में साथ रहना ही लीव इन रिलेशनशिप कहलाता है। इसकी कोई कानूनी परिभाषा कहीं अलग से नहीं लिखी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेमी जोड़े इस तरह बिना शादी के साथ रहना क्यों पसंद कर रहे हैं। तो इसका कारण है कि आजकल कई कपल इसलिए लीव इन रिलेशनशिप में रहते हैं ताकि यह तय कर सकें कि दोनों शादी करने जितना कंपैटिबल हैं या नहीं। और वहीं कुछ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें पारंपरिक विवाह व्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। तो अब आप यह भी जान लीजिए कि लीव इन को लेकर भारत का कानून क्या कहता है। न्यायपालिका से संबंधित खबरों को आसान भाषा में बताने वाले मीडिया संस्थान लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक चार दशक पहले यानी 1978 में बद्री प्रसाद बनाम डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लीव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी थी, जिसमें यह माना गया था कि शादी करने की उम्र वाले लोगों के बीच लीव इन रिलेशनशिप किसी भी भारतीय कानून का उल्लंघन बिल्कुल नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कपल लंबे समय से साथ रह रहा है तो उस रिश्ते को शादी ही माना जाएगा। इंदिरा शर्मा बनाम वीके शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा 2F में डोमेस्टिक रिलेशनशिप की भी परिभाषा है, उसमें लीव इन रिलेशनशिप भी शामिल है। यानी जिस तरह इस एक्ट की मदद से शादीशुदा कपल खुद को घरेलू हिंसा से बचा सकता है, उसी तरह लीव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल पर भी यह एक्ट लागू होता है। वहीं जस्टिस मलिमत कमेटी के सुझाव पर पत्नी की परिभाषा के लिए CRPC की धारा 125 में संशोधन किया गया था, जिसमें बाद में कहा गया कि लीव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं जिन्हें उनके पार्टनर ने छोड़ दिया है उन्हें पत्नी का दर्जा मिले। साथ ही इसमें एक सामान्य विवाह की तरह महिला के लीव इन पार्टनर की मृत्यु के बाद उसके पार्टनर की विरासत में मिली संपत्ति पर उस महिला का अधिकार होता है। और अब सवाल उठता है कि लीव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों का क्या। तो जान लीजिए कि तुलसा एंड ORS वर्सेस दुर्घटिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने लीव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए एक बच्चे को राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार दिया था। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि ऐसे बच्चों को नाजायज नहीं माना जाएगा, जबकि उसके माता पिता काफी समय से साथ रह रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम लीव इन रिलेशनशिप के पौराणिक पहलुओं को देखें तो हमें हिंदू धार्मिक ग्रंथों में जो विवाह के 8 प्रकार मिलते हैं उनमें से एक है गंधर्व विवाह, जो कि काफी हद तक आज के लीव इन रिलेशनशिप की तरह ही है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने भी मान्यता दी है, पर इसे सर्वोत्तम विवाह ना मानकर सबसे निचले स्तर के विवाह की श्रेणी में रखा गया है, जहां पर दैत्य विवाह और पिशाच विवाह आदि आते हैं। और अब अगर इतिहास को देखें तो कई गंधर्व विवाह के उदाहरण सामने आते हैं, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण महाराज दुष्यंत और शकुंतला का विवाह है, जो कि गंधर्व विवाह की श्रेणी में आता है। और इन्हीं से भरत नामक शक्तिशाली सम्राट का जन्म हुआ और जिनके नाम पर ही हमारे देश भारत का नाम पड़ा। बहरहाल लीव इन रिलेशनशिप को लेकर भारतीय समाज का नजरिया बहुत सकारात्मक नहीं रहा है, लेकिन न्यायिक फैसलों ने कई मौकों पर लीव इन रिलेशनशिप की वैधता को साबित किया है और अदालत ने भी इस तरह के संबंधों में महिलाओं के अधिकार को कानूनी दर्जा भी दिया है। और अब आप बताइए कि आप लीव इन रिलेशनशिप को सही मानते हैं या गलत। अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप बने रहिए सुरमे टाइम्स के साथ और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।